could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but when. तो हे गाइस यार, कैसे हो आप सब? और आप सबका स्वागत है एक और गेम प्ले वीडियो में। और गाइस, जिस मैच में आप लोगों को तबाही के साथ, अगर आपका टीममेट आपके सामने गाड़ी लेके जा रहा है आपकी, और आप लोग मतलब आपको ना बैठा रहा, तो उसे कैसे सबक सिखाया जाता है वो आप लोगों को इस गेम प्ले में देखने को मिलेगा गाइस। तो यार, वीडियो को बस एंड तक बने रहना, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। और इस मैच में तबाही भी जो है आप लोगों को खतरनाक देखने को मिलेगी, यानी कि फुल बूम बम गेम प्ले गाइस। तो यार, बस वीडियो को एंड तक देखना। और गाइस, इस मैच में हम उतरे थे इस स्पॉट, और यहाँ पे एक जो है ना एक स्क्वाड आ जाती, तो बस देखो यार गाइस। तो देखो यार, यहाँ पे एक ही स्क्वाड उतरी थी, जिसमें से एक बंदे को जो है तुम्हारा भाई नॉक कर देता है, लेकिन उनके जो बाकी के टीममेट थे उन्हें जो है मेरे टीममेट मार देते हैं। यानी बोला जाए तो यहाँ पे तुम्हारे भाई को सिर्फ एक ही किल मिल पाती है, लेकिन हमें जो है यहाँ से जो है तीन तीन फ्लेयर गन मिल जाती है गाइस। और आप लोग पता है स्पोर्ट जो है फ्लेयर गन के लिए कितना फेमस है, यहाँ पे आती है तो एक ना एक फ्लेयर गन तो मिल ही जाती है गाइस। तो हमें यहाँ पे जो है तीन तीन फ्लेयर मिल जाती है, जो कि हम यहाँ पे ही चला देते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्लेयर गन चलाने के बाद जो यहाँ पे एक और स्क्वाड आ जाती है, तो बस देखना गाइस आप लोग। तो देखो यार गाइस, मैं यहाँ से जो है फ्लेयर लूट के अपनी जा रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ पे टीममेट के साथ जो किल नहीं मिलने वाले थे, लेकिन तभी देख सकते हो आप लोग सामने की ओर से एक गाड़ी आ जाती है, मतलब फुल स्क्वाड आ जाती है। तो बस देखो यार, क्या ही यहाँ पे भसड़ मचती है गाइस, तो बस देखते रहना आप लोग। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों की जो स्क्वाड आई पसंद आएगी तो मेक श्योर यार लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना, जिससे कि क्या होगा जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा गाइस, और आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो कर देना यार गाइस। तो देखना यहाँ पे मैं आगे की ओर जा रहा था, तभी आगे से एक बंदा आ जाएगा। पहले तो इस बॉट को जो मैं फिनिश कर मतलब नॉक किया था उसे मैं फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि ये बंदे किल भी चुरा सकते हैं, इस वजह से जो है मैं किल जो है सेव करता हूँ। लेकिन तभी सामने से एक और बंदा आएगा, तो बस देखना गाइस आप लोग, जो कि मेरे टीममेट को मार रहा था, लेकिन मैं उसके पास था, लेकिन वो फिर भी मेरे टीममेट को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारा भाई जो उसे इजीली नॉक कर देता है। तो यहाँ पे आता हूँ, इसकी किल चुराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब तक टीममेट जो है उसे नॉक कर देता है। और अब बचा था इनका एक बंदा, जो कि सामने वाले घर में मतलब जो बंदा नॉक किया ना उसके ऊपर वाले, देखना देखो आप लोगों को बालकनी में दिख चुका होगा। तो यहाँ पे देखना इस बंदे को कितना डैमेज दिया था, लेकिन आखिरकार इसकी किल भी जो है तुम्हारे भाई को मिलती, तो बस देखो गाइस। तो गाइस, अब ये बंदा क्या सोच के नीचे कूदा था मुझे पता नहीं यार, लेकिन जैसे नीचे आता है इस बंदे को जो मैं इजीली नॉक कर देता हूँ। और मैंने आपसे कहा कि ये लास्ट बंदा है, लेकिन उसके लिए सॉरी। और इनका एक बंदा बाकी था, जो कि देख रहा पीछे की साइड से मुझे मारने की कोशिश करेगा, जो कि घास में होता है, तो बस देखो यार। तो देखो यार, अगर यहाँ पे मेरी जो क्रोजा की मतलब एमो ना खत्म हुई होती, तो शायद इस बॉट की मतलब इस बंदे की जो किल मुझे मिल पाती, लेकिन टीममेट जो किल ले लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे जो इतने बंदे आए थे, तो यहाँ से लूट लाट के हम निकलने वाले थे आगे की ओर। तो देखना यहाँ पे टीममेट जो है मेरी बग्घी लेके जाने की कोशिश करता है, मतलब मुझे बिठाई बिना मुझे बग्घी लेके जाने की कोशिश करता है। तो गाइस, देखना तुम्हारा भाई क्या करता है उसके साथ। तो गाइस, यहाँ पे देखा आप लोगों ने इस बंदे को, जैसे ही पता चलता है कि मैं इसका गाड़ी का मतलब इसकी बग्घी का टायर फोड़ने वाला, ये बंदा हर बार जाके मुझे बिठाने के लिए वापस आता है, लेकिन तब तक तुम्हारा भाई उसकी गाड़ी का टायर जो फोड़ देता है, और यहाँ पे जो जली हुई गाड़ी लेके आगे की ओर जाता है। तो बस देखते रहना गाइस आप लोग। तो देखो यार गाइस, सामने की ओर किसी ने जो फ्लेयर गन मंगाई थी, लेकिन हमारी गाड़ी जो यही भी पलट जाती है, और इसमें से पहले धुआं निकल रहा था, अब लेकिन आग निकलने लगी, तो इस वजह से इस गाड़ी को मैं लेता नहीं और पैदल ही आगे जाने की सोचता हूँ। तो बस देखो गाइस, और सामने की ओर जो फुल स्क्वाड होती है, तो यानी कि आप लोग यहाँ पे फुल तबाही देखने को मिलेगी। तो गाइस, बस देखते रहना वीडियो को, और जैसे हम सामने वाले स्क्वाड को मारेंगे, पीछे से और एक स्क्वाड रश कर देगी हमारे ऊपर, तो गाइस यहाँ पे फुल बूम बम होने वाला है, तो वीडियो को स्किप करना ही नहीं गाइस। तो बस देखते रहना आप लोग। तो यहाँ से मैं ग्रेनेड करने की सोचता हूँ, लेकिन तभी
ये बंदा दिख जाता है, जिससे कि मैं इजीली नॉक कर देता हूँ। तो अब यहाँ से जो ग्रेनेड करता हूँ, लेकिन उस ग्रेनेड से कुछ होता नहीं, तो मैं जो तुरंत रेस कर देता हूँ बंदों पे। तो बस देखो आप लोग, और सामने की शाख से एक बंदा झाँक रहा था, जिसे कि तुम्हारा भाई थोड़ा पार डैमेज दे देता है। तो मैं जो ही तुरंत रस कर देता हूँ उन बंदों पे, क्योंकि उनके जो है लगभग दो बंदे हम नॉक कर चुके थे, और जो शाक मतलब जो शाक में बंदा है उसे टीममेट नॉक कर देगा मेरा। यानी कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने अभी अभी एक बंदे को नॉक किया था M4 से, तो उस बंदे को जो है रिवाइव मिल रहा है। तो गाइस बस देखना उस बंदे को कैसे मारता हूँ मैं। तो गाइस देखो यार, उस बंदे ने मतलब क्या ही डैमेज दिया था मुझे, मतलब मैं बाल बाल बचे यहाँ पे, क्योंकि अगर उस बंदे की एक भी गोली मुझे लग जाती तो शायद मैं यहाँ पे नॉक हो जाता और बंदा तुरंत रश करके मुझे फिनिश भी कर सकता था। लेकिन तुम्हारा भाई यहाँ पे बच जाता है और उस बंदे को जो टीममेट फिनिश कर देता है। तो यहाँ पे मैं 4 नंबर को रिवाइव करके आगे और जाता हूँ, तो बस देखो क्या होता आगे। तो देखो यार, यहाँ पे मैं लूटी कर रहा था कि तभी ऊपर की साइड 2 बंदे आ जाते हैं, जिसमें से एक बंदा जो लेट के स्प्रे दे रहा था, जिससे कि तुम्हारा भाई M4 प्लस फॉरेक्स के स्प्रे से नॉक कर देता है। तो गाइज इस सीन के लिए एक लाइक तो बनता है यार, गाइज तो कर देना है, ठीक है। तो उस बंदे को मतलब रश करता हूँ, तब तक वो बंदा जो रिवाइव होके अपनी हीलिंग भी कर लेता है। तो बस देखना यार उन बंदों को कैसे मारता हूँ मैं। तो देखो यार गाइस, दो दो ऑटो गन रखने का फ़ायदा आप लोगों ने देखा अभी, क्योंकि एक बंदे को जैसे नॉक किया मैंने, तो तुरंत अपनी M4 निकाली और दूसरे बंदे को जो इजीली नॉक कर दिया। तो मतलब समझ सकते हो यार आप लोग, आप लोगों को अगर 1v2 या फिर 1v4 करना हो तो आप लोगों को दो दो ऑटो गन रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप लोग तो स्क्वाड वाइप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर दो बंदे एक साथ रश कर देते हैं तो एक गन अगर ख़त्म हो जाती तो आप लोग को मतलब लोड करने तक दूसरा बंदा जो मार देता है। इस वजह से दो ऐटो गन रखने का बहुत फायदे है गाइस। तो और देखो यहाँ पे सिर्फ एक बंदा बचा था, तो उसके पास होती है AWM, तो उस बंदे को देखना कैसे मारते हैं यार। तो देखो यार, इसी के साथ हो जाता है हमारा डिलीशियस चिकन डिनर। तो गाइज अगर आप लोगों को गेम प्ले वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना। और अगर आप लोगों को अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगी, तो आ जाओ यार इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो मैं बोलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।